भाई लोग क्या हाल चाल आपके। तू झूठी मैं मक्कार मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 122 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वेल, मैंने इसका एक शॉर्ट में रिव्यू कर दिया था, बट ये मूवी इतनी अच्छी है कि शॉर्ट से कहां बात बनेगी, इसलिए मैं इसका एक लॉन्ग में रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लव रंजन ने, जिन्होंने प्यार का पंचनामा और सोनू के टीटू की स्वीटी बनाई थी। यानी इसके अंदर अमीरी भर भर कर दिखाई जाएगी, जो कि दिखाई भी गई है। ये स्टोरी है रणवीर की, जिसकी फैमिली महंगी महंगी कारों का बिजनेस करती है, लेकिन वो खुद का भी बिजनेस करता है लोगों के ब्रेकअप कराने का। अब ऐसे ब्रेकअप कराते कराते उसे खुद एक लड़की से प्यार हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे इनका खुद का ब्रेकअप होने लगता है। अब लड़की चाहती है कि ब्रेकअप इस तरह हो कि घर वालों को लगे कि सारा लड़के का कसूर है, और लड़का चाहता है कि ब्रेकअप इस तरह हो कि घर वालों को लगे लड़की का कसूर है। अब ये ब्रेकअप कराने के लिए क्या क्या करेंगे, वो इस मूवी में इमोशनल, रोमांटिक और फनी तरीके से दिखाया जाएगा। इस मूवी के अंदर बहुत से पिकनिक सीन्स और बहुत ही सारे किसिंग सीन्स, इसलिए आप इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मूवी को आप रोमांटिक ड्रामा समझ सकते हो, बट इस मूवी के अंदर फैमिली ड्रामा भी है, और रोमांटिक ड्रामा से फैमिली ड्रामा कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मूवी के अंदर जो दिखाया गया है वो ट्रेलर के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, जो कि अच्छी बात है। इन लोगों ने ट्रेलर के अंदर सब कुछ स्पॉइल नहीं किया था। इस मूवी के अंदर दो कैमियोज है, जिनमें से एक तो है कार्तिक आर्यन और दूसरा मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। दोस्तों, इस मूवी के अंदर अनुभव सिंह बस्सी ने अच्छे खासे जोक क्रैक किए, लेकिन सिर्फ अनुभव सिंह बस्सी ने नहीं, सबने इस मूवी में अच्छे जोक क्रैक किए हैं, जिन्हें सुनकर हंसी आती है। सभी ने इस मूवी के अंदर अच्छी एक्टिंग की है। अब जिसको कमियां निकालनी है वो तो कमियां निकालेगा ही, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी है, इसलिए आपको ये मूवी देखनी ही चाहिए।